वहीं जयपुर से भी तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं, जहां पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। कांग्रेस सेवा दल ने कैंडल मार्च निकाला है। कांग्रेस सेवा दल कैंडल मार्च निकाल रही है, आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस सेवा दल की, वो तस्वीरें जहां पर हाथ में कैंडल लेकर के विरोध जताया गया है इस तरह की निंदनीय घटनाओं का, और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। जयपुर में कैंडल मार्च निकाला गया है मौन धारण करके एक मिनट का, और कैंडल मार्च निकाल करके दुख भी प्रकट किया गया है और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की गई है। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई राज्यों में इस घटना को लेकर के आक्रोश दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल से आज कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज किया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में बिना मास्क नो एंट्री नियम लागू होगा। सभी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। इस आंदोलन में 7.5 करोड़ लोग जुड़ेंगे। रघु शर्मा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को भी इस जन आंदोलन से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये आयोजन गैर राजनीतिक होगा। उन्होंने कहा कि आज कोरोना से जिस तरीके से मौतें हो रही हैं और संक्रमण फैल रहा है, इसका एक ही उपाय है कि हम लोग मास्क लगा करके रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। डोटासरा ने कहा कि कल से शहर के परकोटे में जाकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। कल से सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसी को भी इस बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि आगे आकर के खुद इसकी जांच करवानी चाहिए। हमारे कि कोरोना संक्रमण से जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, जिस